सो हे गाइस, एम मॉडल है एंड आज हम लोग और एक नई वीडियो में, तो देख सकते हैं यहाँ पे F3 बटन में लाच को एमसीपी में। तो अगर आपके डाउनलोड करें जल्दी सब्सक्राइब करिए। और देख सकते हैं मैं अभी यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा हूँ, मेरा पोजीशन किस साइड में फेस कर रहा हूँ, लाइट बायोम डिफिकल्टी सब कुछ। तो अब मैं बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है गाइस, इंस्टॉल कैसे करना है। देख सकते हैं सब कुछ बताएगा और फिर आपको एक बार और टैप करना है और ये बंद। तो जल्दी से चलते हैं होम स्क्रीन पे, क्योंकि मैं सब कुछ डिलीट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। गाइस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, हम वीडियो देखते और चले जाते हो, लाइक ठोक दो कम से कम, इतनी मेहनत करके बनाया मैंने। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बस इतना ही कर दो। स्टोरेज मैं वो वाला वर्ल्ड भी डिलीट कर देता हूँ, काम करता हूँ ये वाला। और रिसोर्स पैक्स में भी से हटाएंगे और फिर बिहेवियर पैक में भी हटाएंगे। ओके गाइस, और अब हम लोग चलते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस की तरफ। सो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, तो आपको सिंपली इसको यहाँ आना है, मतलब उस पर एक बार क्लिक करना है या कॉपी करके आप किसी ब्राउज़र में पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मैं इसे कर लेता हूँ, 43.33 KB की है ओनली। तो देख सकते हैं मेरे को कह रहा है वापस अगेन करने का, मैंने देख सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक कर दिया मैंने। फिर आप डाउनलोड पे जाएंगे और देख सकते हैं मेरे पास दो, मैं एक डिलीट कर देता हूँ। और फिर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे, अगर आपके पास डाटा अचीवर या ये सब है तो, वरना सिर्फ माइनक्राफ्ट का आएगा, तो आपको माइनक्राफ्ट से जस्ट वंस करना है। फिर आपका खुलने लगेगा माइनक्राफ्ट, तो मैं खोलने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस आपका खुलते ही इम्पोर्ट स्टार्टेज हो जाएगा, देख सकते हैं मेरा ऊपर हो चुका है। और ये बिहेवियर पैक और ये रिसोर्स पैक, फिर आपको प्ले करना है और नया वर्ल्ड बनाना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड एंड सिंपली। अब आपको यहाँ से बहुत मेन स्टेप्स लेना है, नीचे जाके पहले कोऑर्डिनेट्स को ऑन करना है, फिर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स में इन तीनों को ऑन करना है, फिर रिसोर्स पैक्स में जाके जावा डीबग वाले को ऑन करना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे बिहेवियर पैक में ये अपने आप ऑन हो जाएगा। फिर हमें वर्ल्ड क्रिएट करना है, और गाइज ये स्टेप्स आप अगर अपने पुराने वर्ल्ड में करेंगे तो आप उसमें भी खेल सकते हैं फ्री से। और मैं वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद मिलता हूँ। सो गाइज देख सकते हैं मेरा लोडिंग हो रहा है और वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। एंड गाइज अगर आप जैसे काफ़ी टाइम हम लोग पेड़ के पत्तों पे होते हैं स्पॉन, तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा ताकि आपका F3 बटन आ जाए। तो देख सकते हैं मेरा फिर सब कुछ दिखा रहा है। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरी खतरनाक ग्राफिक्स की वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देखिए, अभी मैं उन ग्राफिक्स के साथ नहीं खेल रहा हूँ और जल्दी मैं उसका एक और अपडेट भी देने वाला हूँ। सो बी रेडी और मिल जाएंगे गाइस आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।